मुझे रितेश के बारे में हर छोटी सी छोटी चीज जाननी है। इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ एक इंसान दे सकता है। हमारी कोई भी गलती हमारे केस को और वीक कर सकती है, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना हर कदम सोच समझ के उठाएं। कामना बात 5000 करोड़ के प्रॉपर्टी की है। अगर इंदू और रितेश मुझसे केस हार जाए और जून की कस्टडी मुझे मिल जाए तो मुझे 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मुझे अपनी बेटी के लिए कब तक लोगों से जूझना होगा? अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली ना रितेश, तो मैं मर जाऊंगी। जून हमेशा अपनी मौज और जीनी पापा के साथ ही रहेगी। मैं हूँ ना। तुम पूछ रहे थे ना समीर कि जून तुम्हारी बड़ी माँ के साथ ऐसा क्या करेगी जिससे कि रितेश प्रवोक हो जाए और जून पर अपना सारा गुस्सा उतार दे। हाँ। जून तुम्हारी बड़ी माँ को लड्डू खिलाएगी। लड्डू मतलब? कामना ने कहा था ना कि पैरालिसिस के पेशेंट्स बड़ा निवाला नहीं खा सकते, तो सोचो अगर जून पूरा लड्डू एक बार में तुम्हारी बड़ी माँ को खिला दे तो वो मर भी सकती है। एग्जैक्टली। दादी माँ देखो मैं आपके लिए लड्डू लेके आई, प्लीज आप इसे खा देंगी ना मेरे लिए। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको पूरा लड्डू खिलाऊंगी। प्लीज दादी माँ खाइए ना। माँ माँ हटो आप। पागल हो गए आप। माँ अरे पीछे सांस लीजिए, सांस लीजिए। बस माँ, बस माँ। बेटा देखिए माँ सांस ले रही है। क्यों कुछ अटक गया। बेटा ये लो पानी पी लो। नहीं पीना पानी, घर जाना नानी के पास, मुझे नहीं रहना। बुकी बेटा क्या हुआ? आप क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं होगा, आपकी मौज है ना आपके साथ। नहीं मौज, मैंने गलत किया ना। तीन पापा बहुत गुस्सा है मेरे से, अगर हम मुझे वापस धक्का देंगे तो। तीन पापा का गुस्सा बहुत बैड है, वो मुझे देखेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जून जीनी पापा आ गए। आपको कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी जीनी पापा से बात करके आती हूँ। आप यही रुकना, मैं अभी आई। जल्दी आओ मौज। हाँ बुकी मैं अभी आई। रितेश तुम अभी जून से नहीं मिल सकते। माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी खतरे के बाहर है। रितेश मैंने कहा ना तुमसे, तुम अभी जून से नहीं मिल सकते। वो अभी बहुत डरी हुई है और वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है। बार बार एक ही बात की जिद कर रही है कि उसे उसके नानी के घर जाना है। अगर मैं उससे नहीं मिलूंगा तो उसे कैसे समझाऊंगा कि आज उसने क्या गलत किया? रितेश अभी वो शॉक में है, एक बार वो नॉर्मल हो जाएगी ना तो मैं खुद उसे समझा दूंगी। मैं मानती हूँ उनसे गलती हुई है, लेकिन थोड़ा टाइम दो। अगर मैं उससे नहीं मिलूंगा तो कैसे समझाऊंगा कि माँ की हालत नॉर्मल नहीं है, उन्हें नॉर्मल तरीके से खाना नहीं खिलाया जा सकता, उनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। रितेश मैं तुमसे कह रही हूँ ना, सही टाइम आने पर मैं उसे समझा दूंगी। कब आएगा तुम्हारा सही टाइम? और अगर सही टाइम पे जून को सब समझा देती तो नौबत ही नहीं आती। बस रितेश मुझे तुम्हारे साथ ये ब्लेम गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी तुम्हें गुस्से में कुछ बोल दूंगी, फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी। जून को अभी शांत रखने की जरूरत है, इसीलिए उसके लिए बेहतर यही होगा कि मैं उसे उसके नानी के घर लेकर जाऊं। समीर क्या कह रहा है इंदू? हाँ रितेश, जून ने मुझे सब सच बता दिया। कादंबरी ने ही जून को बहकाया था कि माँ को पूरा लड्डू एक साथ खिलाने के लिए। तुमने मेरी माँ की जान खतरे में डाली। मेरी बीवी से दूर रह रितेश, तमीज से बात कर उससे। तमीज? अबे इंसानियत सिखा अपनी बीवी को, इंसानियत। एक बच्चे को यूज कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है अपने मतलब के लिए। माँ की जान को खतरे में डाला, माँ को कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ नहीं ना, क्यों बकवास कर रहे हो? रितेश तुम शांत हो जाओ। अरे शांत मत हो, क्या शांत हो जाओ? ये शादी करके इस घर में क्या गई? अपने आप को इस घर की मालकिन समझ रही है। ये घर मेरा है, रितेश मल्होत्रा का। तुम दोनों अपना सामान लो और फूटो यहाँ से। अरे नहीं रहना तेरे दो कौड़ी के घर में, समझ में आई? घर से निकलना है ना, निकल जाएंगे। लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे, मेरी बीवी की बच्ची हमारे साथ जाएगी। बहुत प्यार करते हैं, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।